Yes.
हो गया ये। और उसका मैं मैपिंग डायग्राम का बनाऊंगा। मैपिंग डायग्राम, मैपिंग डायग्राम ऑफ रिलेशन का भी मैपिंग डायग्राम आपको बताया। तो यहाँ पे हमने मान लिया एक सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट 1 2 है और एक सेट बी, सेट बी में एलिमेंट है स्मॉल यू स्मॉल यू। तो ए जो है बी से रिलेटेड है, ए सेट बी से रिलेटेड है, डिफाइंड है फंक्शनल डिफाइंड। यहाँ पे एफ ए से बी जो डिफाइंड है वो क्या है, फंक्शन है। याद करो वहां पे रिलेशन होता था, यहाँ पे आर लिखते। तो अगर ये फंक्शन है तो यहाँ पे जो भी मैपिंग करेंगे वो जो ए आपको कंडीशन बताया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, तो उसके बेसिस पे अगर इसका मैपिंग करें तो वन का मैपिंग ए के साथ में, टू का मैपिंग बी के साथ में, कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है जिसका मैपिंग बचा हुआ, तो मतलब बिना मैप है कोई भी एलिमेंट नहीं है। और हम दूसरा कंडीशन ये चेक करेंगे कि सेट ए के जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है वो सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये जो सेट ए का वन एलिमेंट है वो केवल ए से कनेक्टेड है, केवल ए से कनेक्टेड है, तो टू है वो बी से कनेक्टेड है, बी एक ही एलिमेंट है, और थ्री है वो भी बी से कनेक्टेड है लेकिन है एक ही एलिमेंट से। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन का मैपिंग डायग्राम कुछ एग्जांपल अभी देता हूं मैं, तो बना लो कुछ एग्जांपल देते हैं मैपिंग डायग्राम बनाकर, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैपिंग जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ नहीं है आइडेंटिफाई विच ऑफ द
अप्लाई मैपिंग डायग्राम, मैपिंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स समथिंग
F1 मैपिंग ये है, F2 ये है, F3 ये है, F4 ये है, F5 F6 है। सारे ड्रॉ कर दिए। हो गया? इसको तो कहीं बना नहीं, बनाओगे? बना नहीं? हो गया अमरजीत? डिस्कस करते हैं। F1 फंक्शन है क्या? Yes, F1 फंक्शन है, ठीक है? क्योंकि F1 का एक सेट का एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, और सारे का सारा एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है। जैसे 1 A से कनेक्टेड है, 2 B से कनेक्टेड है, 3 C से, 4 D से, F2 से कनेक्टेड। F2 फंक्शन है क्या? Yes, बिल्कुल है। क्योंकि यहाँ पे 1, 4, 2, 3, 4 सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, और सारे का एक ही एलिमेंट कनेक्टेड है। यहाँ पे 1 A से कनेक्टेड है, 1 A के अलावा किसी और एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, 2 सिर्फ A से कनेक्टेड है, 3 केवल B से कनेक्टेड है, और 4 है वो B से कनेक्टेड है। F1 F2 भी फंक्शन है। अच्छा ये बताइए कि F1 रिलेशन है क्या? F1 रिलेशन है? नहीं बोलिए, फंक्शन या रिलेशन? ये बोला है डायरेक्ट, फंक्शन क्या होता है? रिलेशन होता है, यानी जो फंक्शन होगा वो तो रिलेशन होगा ही होगा। रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है वो हम पूछ रहे हैं। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। तो हमको बताना है नहीं, रिलेशन तो है नहीं, ठीक है? F3 फंक्शन है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि F3 में जो सेट A का 2 एलिमेंट है, ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं, जबकि कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज कनेक्टेड विद द एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ सेट A, एग्जैक्टली 1। ये जो एवरी और एग्जैक्टली 1 जो है ना, उसको आप जाओ तो अंडरलाइन करो। Every element of set A is connected with the exactly one element of set B. ठीक है? तो यहाँ पे two जो कि किसी से connected नहीं है set A का, इसलिए function नहीं है। आया समझ में? चलिए F4 बताओ, नहीं है क्यों? हाँ बिल्कुल सही, तो one जो element है वो set B के दो एलिमेंट से कनेक्टेड है, जब तू वहां पे लिखा है एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो बैठ जाओ, वन कनेक्टेड है ए से भी और वन कनेक्टेड है सी से, ठीक है? तो ये फंक्शन नहीं। F5 बताओ, F5 बिल्कुल है, क्योंकि हमको सिर्फ ये क्या करना है कि सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, और सारे का एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड कनेक्शन है, तो वन सी के साथ, टू सी के साथ, थ्री सी के साथ, फोर सी के साथ। देन एफ सिक्स बताओ, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा के सारा एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। तो फंक्शन को मैपिंग डायग्राम के द्वारा कर दे देता हूँ, तब बता दो फंक्शन है या नहीं। जो दो कंडीशन आपको बताया वो समझ में, तो किसी भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो कि सेट ए के सारे का सारा एलिमेंट एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी से कनेक्टेड हो, उसे हम फंक्शन बोलेंगे। मतलब बाकी कोई भी मैपिंग डायग्राम दिया हुआ है
तो जो फंक्शन है वो क्या है रिलेशन, जो फंक्शन है ये क्या है रिलेशन, तो रिलेशन तो कोई भी मैट्रिक का डायग्राम बना दोगे वो रिलेशन होगा, क्योंकि रिलेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी कंडीशन नहीं है। समझ में आया आपको? इसको लिख लेना F1 और F2 से फंक्शन है, F1 F2 और ये F5 फंक्शन है, बाकी F3 F4 और F6 फंक्शन नहीं है, लेकिन आपको पता है इसलिए घंटे की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? इसमें हम नोट पॉइंट लिखे, पहला ये लिख देता हूं कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब देखिए आपको हमने जब रिलेशन बताया था वहां पे हम दो तीन चीज का डिस्कशन किया था, डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, कोडिपेंडेंट ऑफ रिलेशन, बताया था ना? तो जैसे हमने डोमेन बताया था, डोमेन में हमने ये बताया था कि सेट ए का वो वाला एलिमेंट जिसका मैपिंग हो या अगर प्रॉपर ढंग से मैं वहां पे डिस्क्राइब करूं बताओ, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन, यानी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, मैपिंग वाला ही तो रहता है ना, ठीक है? तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका जो तो फर्स्ट एलिमेंट है एम सेट ए का एलिमेंट जो है वही डोमेन होगा, ठीक है? तो जो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं वो मैपिंग वाला ही लिखते हैं, मैपिंग वाला लिखते हैं, तो वहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो सेट ए का ही, सेट ए का, ठीक है? तो इसके बेसिस पर हम देखें जो वहां पे डोमेन का डेफिनेशन था वही डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करें कि सेट ए का वो एलिमेंट इनका मैपिंग हो, सेट ए का वो एलिमेंट इनका मैपिंग हो, तो फंक्शन में सेट ए के तो सारे एलिमेंट का मैपिंग होगा, सारे एलिमेंट का मैपिंग होगा तभी वो फंक्शन कहलाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सेट ए होगा वो डोमेन का सेट होगा, तो सेट ए होगा कंप्लीट सेट ए वो डोमेन का सेट होगा, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट बचेगा ही नहीं, अगर बच गया तो फिर वो तो फंक्शन रहेगा ही नहीं। समझ में आया ना? तो नोट का सेकंड पॉइंट यही है, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। समझ में? अब देखो वहां पे कोडोमेन ऑफ रिलेशन बताया, तो कोडोमेन वाला रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन जो बताया था उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ हमने बोल दिया ना कि जो सेट बी होगा वो कोडोमेन होगा, तो कोडोमेन का डेफिनेशन फंक्शन के लिए भी यही होगा, एंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन है, ये फंक्शन f है, मान लीजिए इसमें एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 बीटा 5, मान लीजिए इसका कनेक्शन इससे हो गया, ये
ठीक है, तो इसमें ये जो सेट ए होगा तो पूरा का पूरा सेट होगा, ये डोमेन का डोमेन ऑफ ये फंक्शन एफ है, तो एफ का डोमेन का है, और ये कंप्लीट सेट बी जो होगा वो आपका को डोमेन का होगा, ये को डोमेन ऑफ एफ। क्लियर? तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, को डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, समझ में आया आपको? ओके इलेवन में अलजेब्रिक इनिक्विलिटी, मोनोटोन इनिक्विलिटी और लॉगरिथमिक इनिक्विलिटी पढ़ाया था, सारे बच्चे पढ़े हैं, कौन नहीं पढ़ा, तुमने पढ़े, कौन नहीं पढ़ा, और कौन नहीं पढ़ा, डोमेन और रेंज निकालने के लिए एडिटिविटी का आता है। जहाँ कि पूरा ओपन में इंस्ट्रूमेंट नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा भी कुछ करना है। बाकी जो पढ़े हुए हैं, उनके ऊपर रिवाइज करना, मैं फिर पिक्सर का ग्रुप में डाल दूँगा, और नोट्स पढ़े थे, बाकी नोट्स जो बच्चे नहीं पढ़े हुए ऊपर दे दे, और डोमेन और रेंज कैलकुलेशन में कितनी इनिक्विलिटी का आना जरूरी है। हो गया ये? चलिए तो डोमेन क्या होता है, को डोमेन और फंक्शन क्या होता है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसी का थर्ड पॉइंट आपको लिखते हैं, थर्ड पॉइंट, इफ फंक्शन एफ, एक फंक्शन एफ है, रिलेट्स एलिमेंट्स, रिलेट एलिमेंट्स अल्फा बिलोंग्स टू डोमेन, that means set A, domain का मतलब क्या है, set A, तो alpha होगा वो domain से belong कर रहा है या directly तो जो domain है वो set A ही है। If function f relates the element alpha belongs to domain to beta, to beta belongs to codomain, that means set B. If function f relates the element alpha to beta, is it written as, written as, मतलब कि कोई दो सेट है, एक डोमेन का सेट और एक कोडोमेन का सेट, तो कोडोमेन का जो सेट का कोई एलिमेंट है बीटा और
डोमेन के सेट का एक एलिमेंट है अल्फा, तो अल्फा जो है बीटा से रिलेटेड है, अल्फा जो है बीटा से रिलेटेड है, तो इस बात को आप ये भी लिख सकते हो और वो फंक्शन के थ्रू रिलेटेड है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन थ्रू को फॉलो करता है, तो हम उसको लिखेंगे f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, मतलब ये फंक्शन जो रूल है वो अल्फा को किससे कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लिखेंगे f अल्फा इज इक्वल टू बीटा, f अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। इन दिस केस beta is called image of alpha under function f, under function and alpha is called pre image of beta under function f, image of pre image का concept हमने relation के लिए बताया था, same concept है यहाँ पे, वहाँ पे हमने तो इसी बात को कैसे बताया था आपको ध्यान दिला दूँ मैं, वहाँ पे हमने बताया था कि ये a को भी belongs to R relation से belong करे, इसी बात को हमने दूसरी बार में ऐसे भी कहते हैं a related to b, ये element जो है set a का वो set b के इस element से related है, तो इस b को image कहलाएगा a का और a जो है वो pre image कहलाएगा b का, तो same image और pre image का जो concept है वो यहाँ पे भी same है, सिर्फ वो जो relation है वो function का जो condition है उसको satisfy कर रहा है, मैं आपको तो इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, समझ में आया आपको, अंडर फंक्शन एफ हो गया, ट्रू और फॉल्स बताना है, एक फंक्शन है जो f, फंक्शन f जो है a से सेकंड के स्टेप पे डिफाइंड है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट लिखिए it is necessary every element of set A to have
इमेज इन से प्लीज, इमेज इन सेट बी, बताइए सही है। ये सही सही सेकंड स्टेटमेंट के कैन एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कैन एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव मोर देन हैव more than one image in set B, more than one image in set B. सेकेंड वाला है कैन एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव मोर देन वन इमेज इन सेट बी, और थर्ड स्टेटमेंट है इज इट नेसेसरी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी टू हैव थ्री इमेज इन सेट ए, थ्री इमेज इन सेट ए। सबसे पहले सेकेंड स्टेटमेंट बताइए ये ट्रू है या फॉल्स। अब इसमें कुछ बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं, कुछ ट्रू बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। कितने बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं और कितने बच्चे ट्रू बोल रहे हैं? फॉल्स वाला हाथ उठा, फॉल्स। और बाकी तीन बच्चे जो है वो ट्रू, हमारा फॉल्स है तो बना के देख लो। More than one image, more than one image. ये set है, one is your one, two, three, A, B, C. अब can any element of the मान लीजिए एक element ये होता है, एक element ये है, तो कह रहा है have more than one image in set B. तो अगर इसको इससे connect किया, तो एक image हुआ इसका। अगर इसको यहाँ से connect करेंगे, तो एक से ज़्यादा image होगा। लेकिन ये तो फंक्शन है ही ना, ये फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं हुआ, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, एग्जैक्टली वन, तो एक ही इमेज हो। आया समझ में आकांक्षा तुम लोगों को? ये जो है बहुत ये होगा फॉल्स। थर्ड वाला देखिए, इफ इट नेसेसरी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी टू हैव थ्री इमेज इन सेट ए, कौन कौन बच्चे बोला फॉल्स? सारे बच्चे necessary for every element of मतलब ये जो होगा इसका आंसर जो होगा नो,
जैसे ये अगर इसको मतलब बना दे तो इसको इससे कनेक्ट करते हैं, इसको इससे कनेक्ट, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है सेट बी का जिसका कोई भी ट्री नहीं है। यहां पे वो है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी टू हैव थ्री इमेज इन सेट ए, बिल्कुल नहीं, एक और स्टेटमेंट देखो, कैन एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, कैन एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव मोर देन वन फ्री इमेज इन सेट ए, more than one free image in set A. यहाँ पे ये जो वाला स्टेटमेंट है वो B है more than three image, three image in set A. ये है fourth number, ये है fourth number. Can any element of set B have more than one free image in set A? हो सकता है क्या? कितने बच्चे बोले? एक, दो, तीन, चार। बाकी तुम लोग क्या बोल सकते हो? बाकी तुम लोग क्या बोल रहे हो? नहीं बोल सकते। समझ रहे हो? जैसे ये बोल रहा है कि set B, ये मान लो कि ये एलिमेंट है, इसका एक से ज्यादा ट्री में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या होना, ए का एक से ज्यादा, ए का ट्री में वन भी है, ए का ट्री में टू भी है, तो एक से ज्यादा ट्री में नहीं है, ठीक है, तो ये होगा यस। समझ में इमेज और इमेज और ट्री इमेज का कंसेप्ट समझ में आया?